अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो आज एक नई रेसिपी और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमा। एक बहुत ही देसी से तरीके से, मतलब सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इतना टेस्टी और इतना प्यारी खुशबू के साथ ये तैयार होगा कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ तैयार की है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कुकर। कुकर में आज हम बनाएंगे कीमा, मतलब कीमे। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं 3 लौंग, 1 से 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं वो इसमें डाल दिए हैं, 2 टमाटर हैं उनके छिलका उतार के मैंने इसके अंदर स्लाइसिस की फॉर्म में ऐड कर दिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो सा है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1/2 किलो बीफ़ कीमा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ 1/2 गिलास पानी का मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कीमे को अच्छे से फैला लेंगे और अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पे साल्ट ऐड कर रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 टीस्पून यहाँ पर जाएगी सिर्फ मिर्च पीसी हुई, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हल्दी का मैंने ऐड किया है। अब प्रेशर कुकर को बंद करके एक बार मीडियम टू हाई फ्लेम हम इसको रख देंगे, और जब हमारी सीटी डांस करने लग जाएगी प्रेशर कुकर की, तो उससे ऑनवर्ड हमने टाइम नोट किया 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हमने इसको लगाया है, और पानी मतलब थोड़ा सा इसके अंदर था, मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और अब मैं ये पानी को थोड़ा हाई फ्लेम करके इसका पानी थोड़ा खुश्क करूँगी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल या घी ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पर मैं ऑयल ऐड करूँगी, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक घी या ऑयल इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है सालन में तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डालें। आजकल ऑयल और घी इतना महंगा है कि बंदा कहता है कि इशारा ही कर दूँ उन हांडी में। अच्छा जी, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऑयल या घी ऐड कर लें। मैंने यहाँ ऑयल ऐड किया है, तो अब इसको इसकी पकाई जो है वो जारी है, इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। पानी इसमें अब भी हल्का हल्का है, वो भी साइड ड्राई हो जाएगा, और जब इसकी बुनाई डन हो जाएगी तो खुद बहुत ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ तैरता हुआ दिखाई देगा। जी, तो 4 से 5 मिनट मज़ीद मैंने इसकी पकाई की है, और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी। पहले नहीं ऐड किया था, अब ऐड कर रही हूँ, और ये 4 साबुत हरी मिर्च बगैर कट लगाए बगैर इसको काटे इसको इसके बीच में ऐड कर दूँगी। तो ये बनाई के प्रोसीजर में जो है बड़ा अच्छी सी खुशबू जो सी है वो इन 2 चीज़ों से आएगी। तो अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे, इसकी बनाई करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे कीमे की बुनाई अच्छे से हो चुकी है, इतना खूबसूरत सा ऑयल उसका ऊपर निकल के आ गया है। अब मैं थोड़ा सा कीमा लूँगी और रात के बचे हुए नान के ऊपर थोड़ा सा कीमा डाल के खाऊँगी। आई रियली मिस्ड अम्मी। अच्छा जी, यहाँ पे आलू मैंने छोटे छोटे साइज़ के काट लिए हैं, जितने छोटे और फाइन कटिंग होगी आलू की उतना ही आपका सालन जो सा वो खूबसूरत दिखेगा। तो ये आलू अब हम सारे 1 बाय 1 इसके अंदर मुठियाँ भर भर के डाल देंगे, और उसके बाद अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मतलब तकरीबन 1/2 कप उससे भी थोड़ा, और फिर उसके बाद इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए भूल जाएंगे। इसी दौरान हल्की आंच पर हमें इसको रखना है, तो जो हमारे आलू हैं वो गल जाएंगे, और 15-20 मिनट के बाद हम देखेंगे। और ये देखें इतने अच्छे से हमारे आलू जो से हैं वो टेंडर हो चुके हैं। सालन को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा सालन इस पॉइंट पर तैयार है। इसके ऊपर हमने ऐड करना है 1 टीस्पून गरम मसाला, जो कि हमारे इस सालन की खुशबू को और उसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अदरक गार्निश करें, हरी मिर्च गार्निश करें, धनिया गार्निश करें ऊपर, और सर्व करें और खाएँ। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी कैसी लगी ट्राई कीजिएगा, और अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।